नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड में राज्य युवा महोत्सव 2024 का आगाज। सीएम धामी ने महोत्सव का किया उद्घाटन। लोकगीत, नृत्य, पेंटिंग, फोटोग्राफी, योगाभ्यास की होगी प्रतियोगिताएं। सीएम धामी ने की सचिवालय में आयुष शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक। कार्य योजनाओं को लेकर की गई चर्चा। विभाग के आला अधिकारी रहे मौजूद। सीएम धामी का लोहाघाट दौरा। सस्ता गल्ला विक्रेता संगठन ने किया जोरदार स्वागत। पंचायत घर में बैठक का आयोजन। कहा सकारात्मक रही बैठक। काशीपुर में गुरु गोविंद सिंह महाराज का 357वां प्रकाशोत्सव मनाया गया। विशाल नगर कीर्तन का आयोजन। हैरतअंगेज करतब भी दिखाए। बागेश्वर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 किलो चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक से पूछताछ कर रही है पुलिस। उत्तराखंड में आज से राज्य युवा महोत्सव 2024 का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम आज से 9 जनवरी तक चलेगा, जिसमें उत्तराखंड की विभिन्न थीम पर ये आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में सामूहिक लोक गीत, नृत्य, पेंटिंग, फोटोग्राफी, योगाभ्यास की कई प्रतियोगिताएं होगी। साथ ही महोत्सव में युवाओं के द्वारा इंस्टॉल भी लगाए गए हैं। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में अलग अलग दिन खेल की 13 विधाएं भी होगी, जिनमें सभी में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करेंगे वो राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर नासिक में प्रतिभा करेंगे। वहीं राज्य स्तर पर 1,00,000 रुपए का इनाम भी उन्हें दिया जाएगा। जारी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है। हमारे महिला मंगल दल, हमारे नए युवक मंगल दल, उनका भी प्रतिभाग है। लगभग 1,000 से ऊपर हमारे महिला मंगल दल, नए युवक मंगल दलों की प्रतियोगिताएं यहाँ पे होने जा रही हैं। साथ ही जो है ओपन एंट्रीज भी हैं। तो मैं समझती हूँ कि हज़ारों की संख्या में युवा प्रतिभाग करने जा रहे हैं, हज़ारों की संख्या में युवा सेशन लेने जा रहे हैं, हज़ारों की संख्या में युवा जो है अपने आगे के करियर के संदर्भ में मार्गदर्शन लेने जा रहे हैं। तो बहुत ही उपयोगी जो है ये सिद्ध होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में हर साल तेजी से वृद्धि हो रही है। राज्य में जो भी नए बस स्टेशन बनाए जा रहे हैं, उनमें यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाया जाए। सभी बस स्टेशनों पर स्वच्छता, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या के लिए देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार से बस सेवा को संचालित किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि वाहनों पर नंबर प्लेट स्पष्ट दिखे। नंबर प्लेट से छेड़खानी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में आयुष और आयुष शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तराखंड को आयुष और वेलनेस के क्षेत्र में प्रमुख डेस्टिनेशन बनाने के प्रभावी कार्य योजना के साथ कार्य किया जाए। उत्तराखंड को विश्व का सर्वश्रेष्ठ योग गंतव्य बनाने के लिए नई योग नीति शीघ्र लाने के निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि पंचकर्मा को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाए। राज्य में जड़ी बूटियों के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए आयुष विभाग, उद्यान और वन निगम से समन्वय कर संग्रह और विपणन की उचित व्यवस्था की जाए।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर लोहाघाट पहुंचने पर सोर घाटी सस्ता गल्ला विक्रेता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे का सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष पांडे ने पाटन पाटनी पंचायत घर में सस्ता गल्ला विक्रेताओं के साथ संगठन जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन जोशी की अध्यक्षता में बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष पांडे ने सस्ता गल्ला विक्रेताओं को बताया कि देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सस्ता गल्ला विक्रेताओं की समस्याओं को लेकर बैठक काफी सकारात्मक रही। जितने भी हमारे उच्चाधिकारी थे उनके साथ एक हमारी बैठक कराई और हमारे तमाम मुद्दों पर सर्वप्रथम मानदेय के मुद्दे पर हमारी जो बात रखी उसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। इसके अलावा जो हमारी डोर स्टेप डिलीवरी में समस्या आ रही थी उस पर बात हुई। इसके अलावा हमारे जितने भी मुद्दे थे उत्तराखंड के उन मुद्दों को हमारे संगठन के द्वारा बेबाक तरीके से खाद्य सचिव महोदय के सामने रखा गया, जिसमें उनके द्वारा हमें आश्वस्त कर दिया गया है। कुछ समस्याओं का जैसे कोरोना काल में जो हमारे व्यक्तियों जो हमारे विक्रेताओं की मौत हुई थी, शहीद हुए थे हमारे विक्रेता, उनका जो इंश्योरेंस का पैसा जो 10 लाख का बीमा हमारे विक्रेताओं का कराया था उनको तत्काल जिला पूर्ति अधिकारी चंपावत, जिला पूर्ति अधिकारी पिथौरागढ़, इनकी व्यवस्था करने के अलावा जो तत्काल व्यवस्था हो सकती थी उसके तत्काल आदेश कर दिए गए हैं। एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचो का स्थानांतरण एसपी अल्मोड़ा के पद पर हो गया है। वहीं चंपावत के नए एसपी अजय गणपति कुंभार होंगे, जो कि जल्द ही एसपी चंपावत का पदभार ग्रहण करेंगे। स्थानांतरण के आदेश अपर सचिव अतर सिंह के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। वहीं अल्मोड़ा एसएसपी रामचंद्र राजगुरु को सेना नायक आईआरबी प्रथम बेल पड़ाव रामनगर बनाया गया है। इसके अलावा सुखबीर सिंह को पुलिस उप महानिरीक्षक अभी सूचना बनाया गया है और कमलेश उपाध्याय को पुलिस अधीक्षक अपराध और कानून व्यवस्था पुलिस मुख्यालय देहरादून भेजा गया है। मेरा अभी स्थानांतरण अल्मोड़ा के लिए हुआ है। यहाँ लगभग 2 साल 4 महीने का मेरा जो कार्यकाल रहा वो काफी अच्छा रहा, लोगों का काफी सपोर्ट मिला, लोग यहाँ के काफी कोऑपरेटिव है। मेरा जो मुख्य टारगेट यहाँ पर रहा था जिसमें मैं काफी तक सेटिस्फाई हुआ था नशा के खिलाफ अभियान का, जिसमें मैं काफी सेटिस्फाई हूँ। हमने इस मैक पे काफी जोर दिया और कहा जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों में रिकॉर्ड हाईएस्ट हम लोगों ने यहाँ पे स्मैक बरामदगी भी की है और साथ में चरस के भी काफी तस्कर पकड़े हैं। तो कुल मिला के मेरा जो है वो मैं जो यहाँ पर अपने कार्यकाल है उससे सेटिस्फाई हूँ। लोगों का भी काफी प्यार मुझे मिला है, उसके लिए मैं लोगों को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे काफी कोऑपरेट किया। और उम्मीद करता हूँ मैं जहाँ भी मेरे को अगली जो जिम्मेदारी मिली वहाँ भी मैं अच्छी तरह से जो अपने टारगेट जो अपना अचीवमेंट है वो कर। काशीपुर में आज सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद जी के महाराज का 357वां प्रकाशोत्सव जगह जगह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर काशीपुर में मोहल्ला पक्का कोट स्थित गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब से विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब से शुरू होकर मनसा देवी चौक, किला मोहल्ला, मुख्य बाजार, कोतवाली रोड होते हुए वापस गुरुद्वारे में पहुंचकर खत्म हुआ। नगर कीर्तन में गुरु के पंच प्यारों के अलावा पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी के जन्मस्थान की झांकी, गतका पार्टी, चंद्रयान 3, भांगड़ा पार्टी आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं इसके अलावा युवा टोली के द्वारा हैरत अंगेज करतब दिखाए गए। नगर कीर्तन रूप में मनाया जा रहा है। इस इलाके की समूह संत ने बड़ा उपराला करके खास करके सभी समाज सेवी संस्थाओं ने जल के बहुत ही आनंदमय नगर कीर्तन का आयोजन किया है। इस लखा हजारा सलादू संगत आके नगर स्कूलों ने आके पार्टिसिपेट किया। मैं इस नगर कीर्तन आई समूह संगत का लख लख बधाई देना, जिन्होंने भी इस नगर कीर्तन अपना योगदान पाया सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। डोईवाला की सुसवा नदी में दिनदहाड़े धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है, जबकि अवैध खनन चुगान के लिए सुसवा नदी प्रतिबंधित है, लेकिन शासन प्रशासन की सख्ती के बावजूद अवैध खनन जारी है। बड़ी संख्या में नदी में काम लेबर कर रहे हैं।
बागेश्वर पुलिस ने 5 किलो चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। एसपी अक्षय कोंडे ने पुलिस कार्यालय में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पूरा ऑपरेशन एसटीएफ और बागेश्वर पुलिस ने अंजाम दिया। क्या युवक चमोली और बागेश्वर के दूरस्थ क्षेत्र से चरस इकट्ठा करके ला रहा था। युवक लालकुआ नैनीताल का रहने वाला है और खुद को फार्मासिस्ट बता रहा है। फिलहाल युवक से पूछताछ की जा रही है। अच्छी कामयाबी हमें मिली है। लालकुआ स्थित एक व्यक्ति जो चरस के या नशे के पदार्थों में बहुत दिनों से संलिप्त था, जिसके पीछे एसटीएफ टी थी, उसको हमारे बैजनाथ थाने के एरिया में एसटीएफ और बागेश्वर पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई से पकड़ा गया। लगभग 5 किलो 300 ग्राम, मतलब इसकी मार्केट वैल्यू 5 से 6 लाख के बीच में है, इतनी चरस के साथ उसको पकड़ा गया। हरिद्वार के सीसीआर भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में आईजी गढ़वाल रेंज करण सिंह नग्याल और एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोबाल के द्वारा अंजन और यात्रियों के खोए हुए विभिन्न कंपनियों के कुल 353 मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए गए। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में खोए मोबाइल फोनों की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत साइबर क्राइम सेल ने करीब 55 लाख रुपए के मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनमें कई मोबाइल फोन विभिन्न राज्यों से आए हुए तीर्थयात्रियों के हैं, जबकि कुछ मोबाइल फोन स्थानीय निवासियों के हैं। इस दौरान साइबर सेल टीम ने समस्त थानों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के विवरण के आधार पर मोबाइल फोनों को बरामद करने के लिए सर्विलांस और अन्य माध्यमों की मदद ली। हमारे हरिद्वार पुलिस के द्वारा, साइबर टीम के द्वारा ये रिकवरी की गई है और साथ ही पुलिस थानों के द्वारा भी रिकवरी की गई है। इसमें आज टोटल 315 मोबाइल फोन जो लगभग 55 लाख की कीमत का है वो अभी बंटवारा किया गया है। देख रहे हैं बहुत सबके चेहरे पर प्रसन्नता है और इस तरह से 1310 पूरे अभी तक मैं मोबाइल बरामद करके लोगों को बांटा जा चुका है, जो जिसकी कीमत टोटल जो 2 करोड़ के आसपास है। तो ये हरिद्वार पुलिस को मैं बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा काम किया और लोगों के चेहरे पर एक प्रसन्नता खुशी लाने का काम किया है। निस्संदेह मोबाइल ऐसी चीज़ है, यदि खो जाती है तो बड़ा दुख होता है फिर उसके बाद। तो आज मैं देख रहा हूँ सबके चेहरे में हंसी है, खुशी है, प्रसन्नता है। तो इसके लिए हमारे हरिद्वार पुलिस की टीम और साइबर टीम दोनों ही बधाई के पात्र हैं। उत्तराखंड स्थित 4 धामों में शीतकालीन पूजा स्थलों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि यहां सर्दियों में भी ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आ सकें। इसके लिए शीतकालीन स्थलों पर महोत्सव का आयोजन होगा। उत्तराखंड 4 धाम तीर्थ महापंचायत को सचिव पर्यटन सचिव कुर्वे की ओर से यह आश्वासन दिया गया। महापंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय में सचिव पर्यटन से मुलाकात की। महापंचायत के महासचिव ब्रजेश सती ने दावा किया कि सचिव पर्यटन के साथ बैठक में तय हुआ है कि शीतकालीन पूजा स्थलों में महोत्सव आयोजित किए जाएंगे, जिसमें चारों पीठों के शंकराचार्यों के साथ संतों को भी आमंत्रित किया जाएगा, ताकि अधिक श्रद्धालु आ सकें। उत्तराखंड तीर्थ पुरोहित महापंचायत, जैसा कि विदित है आपको कि 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती जी के पावन सानिध्य में 4 धामों के तीर्थ पुरोहितों के संयुक्त से एक उत्तराखंड से 4 धामों की शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई थी और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी शंकराचार्य के द्वारा जो है इस तरह की शीतकालीन यात्रा की गई। और इस यात्रा के बाद से जो है आज हमने सरकार से निवेदन किया था, पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे जी से हम लोग मिले थे और हमने उनसे निवेदन किया था कि अब सरकार को जो है इसके प्रचार प्रसार, सीता पूजा स्थलों के प्रचार प्रसार की पहल करनी चाहिए और इसका पंजीकरण शुरू कर देना चाहिए, ताकि लोगों में जो भ्रम है कि शीतकाल में पूजाएं नहीं होती हैं तो ये भ्रम टूटे और लोग अधिक से अधिक इन स्थानों पर आए। तो पर्यटन सचिव से हमारी वार्ता के क्रम में ये हुआ है कि जल्दी पर्यटन विभाग जो है इस पहल को आगे बढ़ाएगा। धार्मिक दृष्टि से तो लगातार पूजा उन पर होती है, हमारे पुजारी लोग वहाँ पर यथावत है, लेकिन आज जो सचिव साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने पॉजिटिव बात जो की, इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारा सुधारेंगे, वो हमारी रोडें सही कर देंगे, हमारे स्नो कटर वहाँ पर लगे रहेंगे, तो जब विदेशों में इतनी बर्फ़ पड़ती है तब भी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, रहते हैं, तो मुझे निश्चित तौर पर है कि जो हमारे जो शीतकालीन के जो स्थल है, जैसे हमें शीत गंगोत्री भी कहा जा सकता है, स्थान जो है हमारे, जैसे गंगोत्री में 6 माह पूजा होती है और 6 महीना मुखवा में होती है, तो निश्चित तौर पे अगर सरकार हमारी पहल कर रही है, सरकार हमारा साथ दे रही है और पर्यटन सचिव ने भी कहा माने मुख्यमंत्री के निर्देश पे, तो निश्चित तौर पे ये यात्रा चलेगी। हमने एक बात और कही कि इस जो हमने रजिस्ट्रेशन हम कर रहे थे पहले, उस समय
इस समय भी हमने जो यात्रा शुरू कर रहे हैं उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दीजिए और अपनी ऑनलाइन करवाइए इसको, तो रजिस्ट्रेशन आज 2 होंगे 10 होंगे 20 होंगे। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। भारतीय किसान यूनियन टिकेत संगठन के बैनर तले आज रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर जल्द से जल्द गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग की गई। भारतीय किसान यूनियन टिकेत के गढ़वाल मंडल के अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि किसानों की समस्या सरकार नहीं सुन रही है, बल्कि अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को लाभ देने का काम कर रही है। उनका कहना है कि शुगर मिलों को चले 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं क्या क्या है। अब में भी 391 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट घोषित हो गया और हमारी सरकार गुंगी बहरी बनी बैठी है। क्या सरकार इसीलिए हो गई गुंगी बहरी बनी रहा? और अभी एक वादा करा था जो धरना चला था कि किसानों को नरे घर जोड़ेंगे, वो नहीं काम करा, तो कोई काम करना नहीं। 10-10 हजार के चलान यहाँ जो भी जो पर्यटन देते हैं डर जाते हैं। हम राजस्थान में जाओ तो हम कोई गाड़ी कहीं छेड़ दे और यहाँ उत्तराखंड में बढ़ते नु देखे चुका गिरा जी पड़ा ना मुर्दे पर नु पड़ा तो ही तो यही काम रह गया। बस एक बाहर के पर्यटक में तो जो आ रहे पर्यटक यहाँ टैक्स दे के जाएंगे जब खाओ पियेंगे उन्हें बस अभी लूटना। ये 10-10 हजार रुपये चलान 100 रुपये का चलान होना चाहिए। कुछ तो गन्ना मर गया बाढ़ में 50% बचिया या बेईमान सरकार जो है ना तो भुआ खोरी 2 महीने मिल चुके गन्ना हम रह गया कहाँ हमारे पर 30% गन्ना बची रहा 10% हम बीज में चाहगा और यह भाग खोल नहीं रही और कह रही चुनाव लड़ने इन पर पत्थर बजेंगे हम पत्थर सब रोप को इन्हें दिखाओगे हम क्या हो। किसान बर्बाद कर दिया, मजदूर बर्बाद कर दिया, ना दे रहे हैं उसे बेच कर शराब पी रहे, क्या छोड़ दिया देश में मजदूर खत्म कर दिया, ना दे दे मजदूरी करता उसे बेचर। अब बच्चों को अपने कंधों पर भारी स्कूल के बस्ते का वजन नहीं सताएगा और इसको लेकर राज्य सरकार शीघ्र ही दिशा निर्देश जारी करेगी। बस्ते के बोझ कम करने संबंधित आदेशों का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी मुख्य शिक्षा अधिकारियों की होगी। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि स्कूली बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने को लेकर राज्य में संचालित विभिन्न बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि नई शिक्षा नीति 2020 और भारत सरकार के दिशा निर्देश के क्रम में राज्य के सभी विद्यालयों में स्कूली बच्चों के बस्ते का बोझ घटाकर निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उसका यह है कि कल हमने सभी सीबीएसई बोर्ड की भी बैठक बुलाई थी, अपने उत्तराखंड बोर्ड की बुलाई थी, उर्दू बोर्ड की बुलाई थी, संस्कृत बोर्ड को बुलाया था, ICSE बोर्ड को, सभी बोर्डों को बुलाया था। और अब हम ये कर रहे हैं कि बस्ते का बोझ जो है 6 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होगा उम्र के हिसाब से, जो कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं, एक 10वीं तक लगभग 4 किलो वजन होगा और उससे नीचे लगभग 2 किलो वजन होगा। तो कुल मिला के जो बच्चों को वस्तुओं का बोझ था ये कम करने का निर्णय लिया गया है और बहुत जल्दी उसका आदेश हम निकालने जा रहे हैं। मिशन 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर कुमाऊं दौरे पर निकले बहुजन समाज पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष शीशपाल चौधरी ने अपना अल्प समय निकालकर मुरादाबाद रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बसपा प्रदेश अध्यक्ष का फूल माला और शोल उड़ाकर स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बसपा कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जोर शोर के साथ चुनाव लड़ेगी। जहाँ तक सवाल आपने किया है कि 2024 को लेकर के इसमें माननीय बहन जी ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं उनको लेकर के मैं आज यहाँ काशीपुर गेस्ट हाउस में पहुँचा हूँ और अभी मेरी कोर्ट द्वार में बैठक थी। तो जो माननीय बहन जी का दिशा निर्देश है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय बहन जी हमारी नेता है, हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जरूर हूँ, तीसरी बार मुझे मौका मिला है, पर मैं माननीय बहन जी का सिपाही हूँ। जो बहन जी दिशा निर्देश देती हैं उनको लेकर हम कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं अपनी टीम के साथ में। जिस तरीके से अभी पिछले दिनों मीटिंग हुई थी लखनऊ में, बहन जी ने जो भी दिशा निर्देश माननीय अध्यक्ष जी को दिए हैं, हमारे परिवार जी को दिए हैं, उन सबको बैठ कर कहा डिस्कस होगा और उसके बाद ही हम लोग जो आने वाली प्लानिंग है 2024 के लोकसभा चुनाव की
और इसके बाद निकाय के चुनाव जब आएंगे उनकी सारी प्लानिंग तैयार होगी, उसके तहत हम लोग काम करेंगे। किस तरीके से जो है कार्यकर्ताओं में जो है इस समय उत्साह देखा जा रहा है, क्या है, कैसा लग रहा है आपको? मैंने देखा जब से हमारी नई टीम है, बनी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जब से आए हैं, उसके बाद से कार्यकर्ताओं में एक अच्छा। दून स्थित विकास भवन सभागार में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने सभी विभागों की बैठक ली, जिसमें 37 विभागों को बुलाया गया था, लेकिन बैठक में केवल 30 के ही लगभग विभागीय अधिकारी शामिल हुए, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को फटकार लगाई और जो अधिकारी मौजूद नहीं हो पाए उनको स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को किस तरह से विभागों के द्वारा जनता तक पहुंचाई जा ही है उसकी समीक्षा की गई है। जो विभाग उपस्थित नहीं हुए हैं उनसे स्पष्टीकरण हम लेंगे। दूसरी चीज ये, पहली देहरादून में हमने ये समीक्षा बैठक अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की और संबंधित योजनाओं की, जो भी योजनाएं हैं उत्तराखंड सरकार की, भारत सरकार की, उन योजनाओं का निस्तारण किस तरीके से हो रहा है और जो योजनाएं हैं वो लाभार्थियों तक किस तरीके से पहुंच रही हैं, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जो हमें कमियां मिलेंगी उसको जल्द पूरा करने का हम निर्देश पारित करेंगे। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 365 ग्राम ड्रग्स क्रिस्टल मैथ के साथ तीन बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद ड्रग्स की कीमत 1.82 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं एसएसपी ने पुलिस टीम को 2500 का इनाम देने की घोषणा की है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने खुलासा करते हुए बताया कि देर रात पुलभट्टा थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे और इस दौरान क्षेत्र के शंकर फार्म मोड पर एक बाइक सवार तीन लोगों को रोककर तलाशी ली गई तो उनके पास से 365 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स क्रिस्टल मैथ बरामद हुई है। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी अंडमान निकोबार से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर आए थे। पुलभट्टा पुलिस द्वारा बेहतरीन कार्रवाई करते हुए बहुत बेहतरीन सफलता हासिल किया गया है। एमडीएमए बोलते हैं क्रिस्टल मेथ, ये हाई एंड सोफिस्टिकेटेड एंड हाई एंड रेव पार्टी ड्रग है। ये नॉर्मल ड्रग्स नहीं है, चरस कांचा और हफीम की तरह नहीं है, ये बिल्कुल हाई एंड बहुत एलीट रेव पार्टीज में यूज करने वाला एक सिंथेटिक ड्रग है। क्रिस्टल मेथ बोलते हैं वेस्टर्न परिभाषा में। 365 ग्राम एमडीएमए पकड़ा गया है जिसका एक ग्राम 50,000 रुपए में बिकता है, तो कुल मिला के लगभग जो है हमारा 1,80,00,000 का स्ट्रीट वैल्यू बोलते हैं, स्ट्रीट वैल्यू जो है उसका उतना है। तो तीन लोगों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 1.5 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर ब्लॉक के दो गांवों में मृतकों के खातों में पैसे दर्शाए गए जिनकी मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। ऐसे में ये संख्या 200 के करीब है। उन्होंने संदेह जताया है कि मसूरी विधानसभा से विधायक गणेश जोशी विभागीय मंत्री है, उनकी भी इसमें संलिप्तता हो सकती है जिसकी जाँच की जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस तरह की खबरें पूरे प्रदेश भर से आ रही है जिसमें करोड़ों का घोटाला हो सकता है। को भी नहीं बख्शा जाएगा। पहले तो आप बरसात से हुई जो नुकसान है उसमें उनको मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं, समर्थन मूल्य घोषित नहीं कर पा रहे, ऊपर से जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसको किस तरह से बट्टा लगाया गया है खुद के ही मंत्रियों और विधायकों और अधिकारियों के द्वारा, वो आज हम यहाँ पर खुलासा करने के लिए आए हैं कि आरटीआई में 200 मृत किसानों के खाते में पैसे जाने की बात का खुलासा हुआ है। किसान अलविदा कह चुके हैं इस दुनिया को और उनका खाता खोलकर उसमें 1.5 करोड़ रुपया 28 मार्च 2023 को डाला गया, एक ही वकील की मुहर है। ये हुई है, अगर इस प्रकार की चीजें हुई हैं, कोई भी दोषी हो, वो कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, छोटा से छोटा कर्मचारी हो, कोई भी अगर जो इसमें दोषी पाया जाता है, अगर जिस प्रकार की चीजें हुई हैं तो हम उसको बख्शने वाले नहीं है। उसका जहाँ उसका उचित स्थान है वहाँ से पहुँचाया जाएगा। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाइयाँ की हैं,
विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पूरे 13 रेंज में 19 जनवरी से 21 जनवरी तक पक्षियों की गणना की जाएगी, जिसमें पानी में रहने वाले पक्षियों के साथ ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले पक्षियों की गणना होगी। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों के लिए अपनी खास पहचान रखता है, साथ ही बाघों के यहाँ पर पक्षियों की गणना भी होती है। वहीं इस क्रम में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पूरे रेंज में हर साल की तरह सर्दियों के मौसम में की जाने वाली गणना का काम 19 से 21 जनवरी तक किया जाएगा। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा आगामी 19 से 22 तक एक बर्ड काउंट प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें स्थानीय लोगों के अलावा, एक्सपर्ट्स के अलावा और वॉलंटियर्स को भी इनवाइट किया गया है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है, मुझे लगता है ये तीसरा बर्ड काउंट है और हम लोग आशा कर रहे हैं कि इसमें यहाँ पर जो स्थानीय प्रजातियाँ हैं उसके अलावा अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आते हैं और एक रिकॉर्ड भी दर्ज होगा, साथ ही साथ एक डाटाबेस तैयार होगा आगे के लिए। उत्तराखंड में हमारे दो स्तर का बर्ड सेंसस चल रही है। एक तो है एक्वेटिक वाटर बर्ड सेंसस। वो वाटर बर्ड सेंसस में पूरा उत्तराखंड स्तर में हर एक ऐसे जगह चुने गए हैं, जैसे कि रामगंगा बैराज हो या हमारा कोसी बैराज हो, ऐसी जगह जगह पे चुनी गई है। और इस पे 20 तारीख को हमारा पूरा उत्तराखंड में एक एक्वेटिक बर्ड सेंसस हो रही है। और इसके साथ साथ हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हर साल बर्ड सेंसस करते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हम जून महीने में समर बर्ड सेंसस की थी। सोशल मीडिया पर इन दिनों दो युवकों की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। घटना विकास नगर के बाडवाला की बताई जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि युवकों ने नशे की लत के चलते चोरी करने की कोशिश की, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें पकड़कर जमकर पिटाई की। हालांकि SSP अजय सिंह ने कहा कि वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है, साथ ही किसी भी तरह की कोई शिकायत भी इस मामले को लेकर पुलिस को नहीं मिली है। देखिए, वीडियो वायरल जो है शेयर किया गया था, उसको जब उसकी सत्यता जानने के लिए, चूंकि बताया कि विकास नगर के क्षेत्र का कहीं का मामला है, इसमें संबंधित क्षेत्राधिकारी से भी जानकारी की गई, उनके द्वारा अपने पूरे सर्किल के वहाँ के आसपास सभी चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी से पूछा गया, तो ऐसी कोई भी शिकायत थाने पर अभी तक या चौकी पर इनफॉर्मली फॉर्मली नहीं आई, ना ही जिसकी पिटाई होने की बात आई उसकी कोई पहचान अभी तक हो पाई है और ना ही उसके परिजन या किसी के द्वारा इस पर शिकायत की गई है। लेकिन जो अब तक एक जानकारी, जो आम लोगों से जानकारी करने पर पता चला कि एक आटा चक्की के पास कहीं पर कोई नशे के उसमें चोरी कर रहा था, तो उसको वहां की पब्लिक ने पीटा। लेकिन 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर का प्रथम तल का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसके शुभ अवसर पर जोशीमठ नगर में सारे मंदिरों में पूजा अनुष्ठान का विशेष आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि राम भक्तों की टोली के द्वारा लगातार जोशीमठ नगर वासियों को राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी के दर्शन के लिए निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। बता दें कि इस शुभ अवसर पर राम भक्तों की टोली परसारी गाँव पहुंची, जहाँ पर राम भक्तों की टोली के द्वारा सभी ग्रामीणों को भगवान रामचंद्र की तस्वीर और साथ में निमंत्रण पत्र देकर ग्रामीणों को अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी के दर्शन के लिए चलने के लिए आमंत्रित किया। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।